हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। आज मेरे पास आप सबके लिए काफी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना। इसी के साथ साथ बढ़ते आज की हमारी पहली न्यूज़ की तरफ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जन्नत मिर्जा और उमर भट्ट के रिलेटेड। रिसेंटली जन्नत मिर्जा की बर्थडे की कुछ पिक्स वगैरह काफी ज्यादा वायरल चल रही है, जिसमें जन्नत मिर्जा जो है वो हैप्पी नहीं लग रही होती लोगों को, उसके ऊपर लोग जो है वो बहुत से ऐसे कमेंट्स वगैरह करना स्टार्ट कर दिए हैं। इस बर्थडे में जन्नत मिर्जा के साथ उमर भट्ट नहीं है, जिस वजह से जन्नत मिर्जा खुश नहीं लग रही। एक यूजर ने लिखा आंखों में उदासी है, और एक और यूजर ने लिखा बर्थडे आपकी थी, उमर को मिस में कर रही थी, मुझे मजा नहीं आया क्योंकि आपके साथ उमर नहीं। और यार उनकी पोस्ट के नीचे ऐसे काफी मजीद कमेंट्स वगैरह भी मौजूद हैं, जो कि तो खैर आप उनकी पोस्ट के नीचे देख सकते हैं। लेकिन जब जन्नत मिर्जा की बर्थडे थी, उसी के कुछ दिनों पहले उमर भट्ट ने अपने इंस्टा पे क्यूएनए भी लगाया था। उस क्यूएनए में कोई उनसे सवाल करता है दोबारा जो है वो रिलेशन में आना चाहेंगे या नहीं, वो कहते हैं रिलेशनशिप हराम है, और अगर आप किसी को पसंद करते हो तो उससे शादी कर लो, और मंगनी करेंगे ये सब करेंगे, ये सब बुलशिट है, इसमें जाना नहीं। और मैं दोबारा कहता हूँ डिले बिल्कुल भी नहीं करना निकाह में, जल्दी से निकाह कर लेना। उमर भट्ट की बर्थडे और इनका ये जो क्लेश है काफी ज्यादा वायरल चल रहा है, आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा मजीद आगे बने तो हमारी जो अगली न्यूज है वो बाबर आजम और मोहम्मद आसिफ से रिलेटेड है। रिसेंटली बाबर आजम और मोहम्मद आसिफ के दरमियान जो सारा सीन वगैरह चला था उसके रिलेटेड तो मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में बता दिया था कि मोहम्मद आसिफ जो है वो अपने ट्विटर की लाइव में कहते हैं बाबर आजम को वो आज भी T20 में मेडन अवर करवा सकते हैं। इसके बाद काफी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी वगैरह स्टार्ट हो गई थी, और अभी सारे सीन के ऊपर बाबर आजम का तो कोई रिप्लाई वगैरह नहीं आया, लेकिन बाबर के फादर का इस सारे सीन के ऊपर रिप्लाई आया, और उन्होंने एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा सलाम पाकिस्तान, बाबर जब U19 का वर्ल्ड कप खेलाया BPS मॉडल टाउन के ग्राउंड के साथ एक क्लब हुआ करता था स्कूल ऑफ क्रिकेट, उस क्लब के साथ बाबर के क्लब का मैच हुआ। दूसरी तरफ से उस वक्त मोहम्मद आसिफ जो है वो कमबैक की तैयारियां कर रहे थे, वो ये मैच खेले, बाबर ओपन करता था, मोहम्मद आसिफ ने अटैक किया, बाबर ने उस मैच में 84 किया और आसिफ नहीं बाबर आजम को आउट किया। फिर इनिंग खत्म हुई, बाबर बड़ा दिल बर्दाश्ता होकर आया मेरे पास और बोला कि आसिफ भाई ने बहुत बुरा भला कहा, मैंने उसको तसल्ली दी कि तुमने भी तो उनको 11 चौके मारे। फिर बात यहां खत्म हो गई, मोहतरम मंसूर राणा ने बाबर को खेलने में मदद की, नेशनल अकेडमी में बाबर का ट्रायल हो रहा था, मोहम्मद आसिफ आया, अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ था, बाबर ने पेड़ किए हुए थे, बढ़कर आसिफ को सलाम किया, वो खुशगवार मूड में बोले ओए छोटू इधर किधर, तो बाबर ने कहा आसिफ भाई बैंक के ट्रायल है। उसी वक्त मोहम्मद आसिफ जो है वो बैंक स्टाफ के पास गए और बड़े सख्त लहजे में कहा कि इसका ट्रायल ले रहे हो, इसने मुझे मार मार थका दिया था और 11 चौके मारे, लिखो इसका नाम बैंक में, रखो ये तुम्हारे बड़े काम आएगा। और फिर वही बार बार लिखता हूँ 16,800 जो पहली सैली मिली उसने बुनियाद रखी बाबर को मजीद आगे बढ़ाने की। मोहतरम आसिफ साहब हर बंदे के अमाल, उसके साथ वही जिम्मेदारी अव्वल, ये वक्त कभी नहीं आएगा, नहीं अगर आ भी गया बाबर एहतराम की वजह से हर सूरत में आपका अवर मेडन खेल जाएगा, आपकी बर्बाद गवाही हमारे बड़े काम आई। आवाम से दरखास्त है कि मोहम्मद आसिफ के बारे में बाबर के हवाले से उल्टी सीधी बात ना करें, बड़ों से सुनाए किसी की अच्छाई याद रखो और बर्बाद गवाही दो, उसी अमल से अच्छाई जिंदा रहती है, पाकिस्तान जिंदाबाद। और बाबर आजम के वालिद का काफी बड़ा रिप्लाई था, इन्होंने सारी कंट्रोवर्सी को काफी अच्छे तरीके से समझा दिया लोगों को, इस सारे सीन के रिलेटेड किसी को हेट ना दो, जस्ट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कुछ बातें ऐसी निकल जाती है, इससे हेट वगैरह फैलना स्टार्ट हो जाता है। फिर आपका क्या ओपिनियन है आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज की तरफ, और हमारी जो अगली न्यूज है वो तमाशा शो के रिलेटेड है। तमाशा का सीजन 2 जो है वो खत्म हो चुका है, और उसकी जो विनर है वो अरूबा मिर्जा बन चुकी है, जिन्हें 25 लाख रुपए की प्राइज मनी मिली है। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू अरूबा। बाकी अगर आप लोगों ने तमाशा सीजन 2 फॉलो किया है तो आपके हिसाब से कौन विनर था असली, अरूबा मिर्जा या जुनेद, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा मजीद आगे बढ़े तो हमारी जो अगली न्यूज है वो मास सफदर से रिलेटेड है। रिसेंटली मास सफदर ने कुछ दिनों पहले अपने यूट्यूब चैनल पे एक व्लॉग अपलोड किया था, जिसमें एक फार्म पे जाते हैं और वहाँ वो एक ड्रोज में अपनी एप्पल वॉच भूल जाते हैं, और यार एप्पल वॉच भूलने के बाद उनको नेक्स्ट डे पता चलता है कि उनके पास एप्पल वॉच नहीं है उनकी, तो मास उस फार्म में दोबारा जाते हैं और वहाँ पे फार्म वालों से और लोगों से इसके रिलेटेड मालूम वगैरह निकालना स्टार्ट करते हैं। यार मास को ऐसा लग रहा होता है कि इनकी जो वॉच है वो फार्म वालों की वजह से गुम गई है, इस वजह से मास जो है वो इसके रिलेटेड काफी ज्यादा बातें वगैरह करते हैं, और मास सफदर कहते हैं कि फार्म वाले इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि अगर किसी के फार्म पे कोई चीज वगैरह रह जाती है या किसी भी ऐसी जगह पे जिसके आप खुद जिम्मेदार नहीं हो, उनको आपकी सारी चीजें वापस प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। तो इसके रिलेटेड मास जो है वो अपनी व्लॉग में काफी ज्यादा बातें करते हैं, जैसे कि उनके व्लॉग का एक छोटा सा पार्ट आप लोग ये चेकआउट करें। रिस्पॉन्सिबिलिटी फार्म हाउस की होती है गाइस, सही है। जब भी सामान जाता है, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, एक बार मेरी वॉच इस्लामाबाद में रह गई थी, मुझे मरी में कॉल आती है कि मास तुम्हारी वॉच जो है ना वो तुम यही भूल गए हो, लाइक उन्होंने कॉल करके हमें बताया, बट यहाँ पर हम जब आए हैं फार्म हाउस वाले ना कोई रिस्पॉन्स करें, ठीक है, लाइक अब ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई कस्टमर आया है रह के गया उसकी चीज़ भूल गए, तो आपका राइट है कि आप उसको कॉल करके बताओ कि आपकी चीज़ रह गई है, आप काइंडली इसको रिसीव कर लें यहाँ से। ऐसा नहीं हुआ, ना कोई कॉल आई ना कोई चीज़ हुई, खुद आएँ और खुद से जांच पड़ताल कर रहे हैं, तो जब भी कुछ नहीं मिला। ऐसे कैसे कोई भी अगर ब्रांड होगा कोई भी चीज़ होगा उसकी जगह पे हमारी कोई चीज़ रह जाती है तो रिस्पॉन्सिबल वही होता है। मतलब मेरा एंड तक जुमला ये होगा कि रिस्पॉन्सिबल फार्म हाउस ही है। अगर मेरी जगह पे किसी की चीज़ रहती है तो मुझे उसको दिलानी पड़ेगी वो चीज़, क्योंकि वो चीज़ मेरी जगह से गुम हुई है। इसी व्लॉग में मास सफदर जो है वो फार्म के ओनर वगैरह से भी बात करते हैं, और यार एंड पे ये स्टोरी निकल के आती है कि फार्म पे मास सफदर के जाने के बाद एक और कंपनी की टीम वगैरह आती है कोई, मास सफदर की गाड़ी जो है वो उठा के चले जाते हैं, और फिर वो नेक्स्ट डे मास सफदर को खुद कॉल करते हैं और एट द एंड मास सफदर को वो वॉच मिल जाती है। लेकिन यार मास सफदर जिस तरीके से लोगों
लोगों से बात वगैरह कर रहे थे फार्म वालों से, वो तरीका आवाम को पसंद नहीं आया, ये आपकी खुद की लापरवाही है, इस वजह से आपका 2.5 लाख तक का नुकसान हो गया। लेकिन बाद में जब मार्च को घड़ी मिल जाती है जिसके रिलेटेड वो नेक्स्ट डे व्लॉग अपलोड करते हैं, तो उसमें मार्च जो है वो फार्म वालों से अपोलॉजी वगैरह नहीं करते। इस पर भी मार्च सफदर को काफी ज्यादा हेट फेस करना पड़ा था। लेकिन यार ये सीन जो है वो ओरिजिनली अब यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर वो फार्म वालों ने अब मार्च सफदर के ऊपर साइबर सेल में कंप्लेन करनी है, जिसके रिलेटेड उन्होंने एक पोस्ट शेयर करते हुए सारा सीन एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि मार्च सफदर जो है वो 4 दिन पहले आए थे हमारे फार्म में और 4 दिन बाद उन्होंने ये व्लॉग अपलोड किया, जबकि उनको घड़ी वगैरह मिल भी चुकी थी। और मार्च सफदर जो है वो फार्म की हमारे रेपुटेशन खराब कर रहे हैं, इस वजह से वो साइबर सेल में इसकी कंप्लेन करेंगे। आपको पढ़नी हो तो आप वीडियो पोस्ट करके स्क्रीन पर पढ़ी सकते हैं। और यार फिरफो फार्म के जो मैनेजर वगैरह उनकी तरफ से एक वीडियो भी शेयर की गई है उनके पेज, और यार फिरफो फार्म के जो मैनेजर वगैरह उनकी तरफ से भी एक पोस्ट शेयर की गई है। और यार फिरफो फार्म का जो ऑफिशियल फेसबुक पेज है उसमें मार्च सफदर के रिलेटेड काफी ज्यादा वीडियो, उसमें मार्च सफदर के रिलेटेड काफी वीडियोस वगैरह भी शेयर की गई है, जैसे कि उनके मैनेजर जो है वो उसके रिलेटेड बात करते हुए ये कहते हैं, ये महाज भाई का जो मामला हुआ है, जो घड़ी का जो मामला था, उसमें यहाँ आए हमने उनका बहुत ज्यादा एहतराम किया कि यार हमने कोई उनको उनके साथ मिस बिहेव नहीं किया। जो बात उन्होंने पूछी हमने बहुत कम बोलने की कोशिश किया कि यार हर बात का व्लॉग बना रहे हैं, वीडियो भी बनाई जो गैर कानूनी हमारे हमसे इजाजत दिए बगैर बनाई हो। हमने ये चीज़ कही है कि भाई जो ना हम अगर आपके फार्म का नाम बना सकते हैं तो हम जो ना वापस गिरा भी सकते हैं। तो हमने खैर इस चीज़ का भी उनको जवाब नहीं दिया, चाय मंगवा के दी, चाय भी उन्होंने जो ना सिर्फ 2 बंदों ने पी है और तीसरे ने जो ना बोला भाई हमें नहीं चाहिए कोई चाय वाय, आपकी जो ना जाए अपना काम करे बस। तो इस तरीके का ये हमें हिरासा की है, लिहाजा जो है ना हमें बड़ा सख्त तकलीफ हुई है इस बात की कि जो है ना इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था हमारे साथ, थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए था ताकि जो ना मसले का हल निकल आता। और यार वीडियो के अलावा वो मार्च सफदर से वॉच मिलने के बाद एक मार्च सफदर की वॉइस रिकॉर्डिंग भी शेयर करते हैं, वो क्या होती है मैं आप लोगों को वो भी दिखा देता हूँ। बस बेटा एक मिनट की बात करूंगा। मिल गई आपकी घड़ी अल्हम्दुलिल्लाह। आपने देख लिया बेटा कि जो चीज नजर आ रही होती है वो नहीं होती, ठीक है ना? चले अल्लाह बेहतर करे, आपका काम हो गया। कैमरा मैंने आपको बता दिया था, कैमरा वहाँ नहीं लग सकता, वो बात अलग है। मैं आपसे कह रहा हूँ, देखें आप कह रहे थे ना आदमियों पे शक होना चाहिए, वो आदमियों पे शक करने का ये वजह है बेटा, ये वजह है आदमियों पे शक करने ना करने की कि भाई बहुत पुराने लोग हैं। आपकी आपकी चीज आपको मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह। अरे बेटा मैंने आपसे कहा था कि पार्टी जो है वो हमने भी रابطہ किया है पार्टी से, और पार्टी से रابطہ करके उनसे रिक्वेस्ट भी करी है, बहरहाल मिल गई अल्लाह का शुक्र है। लेकिन आपने देखे हमारे आदमी लेके नहीं गए, हमारे आदमियों ने नहीं उठाई कोई अल्हम्दुलिल्लाह, वो एक उनके मुझे खुशी इस बात की है कि आपको अल्लाह ने आपकी चीज मिलवा दी माशाल्लाह, सही है। चले जज़ाकअल्लाह, ओके अल्लाह हाफिज़, ओके अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। मतलब ये सीन जो है वो काफी एक्सट्रीम जा चुका है, तो देखते हैं कि मार्च सफदर का इसके रिलेटेड कोई रिस्पांस वगैरह निकल के सामने आता है या नहीं। फिरफो फार्म की तरफ से मजीद डिटेल्स वगैरह अगर कोई आई तो मैं आप लोगों को वो भी बता दूंगा। अगर अभी के लिए मेरे पास आप सबके लिए सिर्फ इतनी न्यूज़ थी, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।